أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بچو آج ہم پڑھیں گے سٹینڈرڈ فارم جس کا دوسرا نام ہے سائنٹیفک فارم یا سائنٹیفک نوٹیشن اس کو سٹینڈرڈ فارم بھی کہتے ہیں سائنٹیفک فارم بھی کہتے ہیں اور سائنٹیفک نوٹیشن بھی کہتے ہیں آج ہم یہ پڑھیں گے کہ سٹینڈرڈ فارم کیا ہے स्टैंडर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म के एडवांटेजेस क्या है, इसके फायदे क्या है। क्लियर? फॉर एग्जांपल, हमारे पास रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जैसा कि मैस ऑफ अर्थ, मैस ऑफ अर्थ वो क्या है, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 किलोग्राम। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। इसी तरह हमारे पास बहुत छोटे नंबर भी पाए जाते हैं, जैसे कि मैस ऑफ प्रोटॉन, मैस ऑफ प्रोटॉन वो कितना है, 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1, 6, 7 किलोग्राम। ये बहुत छोटा नंबर है। ये क्या है बेटा, ये प्रोटॉन का मैस कहलाता है। ऊपर जो नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर है, मैस ऑफ अर्थ। ये बहुत छोटा नंबर है, मैस ऑफ प्रोटॉन। ये जितने भी नंबर्स हैं ये हमारे लिए कैलकुलेशन डिफिकल्ट बनाते हैं, हमारे लिए कैलकुलेशन डिफिकल्ट बनाते हैं। इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए, टू गेट रेड फ्रॉम दीज नंबर्स, वी यूज स्टैंडर्ड फॉर्म। इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? यस सर। अब हम इसको डिफाइन कर लेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, to express a number in the power of base 10 is called standard form। किसी भी नंबर को power of base 10 में जब हम convert कर लेंगे तो उसको कौन सा नाम देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी नंबर, कोई भी नंबर जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं किस चीज में, बेस 10। किसी भी नंबर को बेस 10 में जब हम जाहिर करते हैं तो इस तरीकेकार को, इस वे को क्या नाम देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। जिस तरह आप लोगों ने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा, 1101 to the base 2, 1001 to the base 2, आप लोग कंप्यूटर की क्लास में इस चीज का इस्तेमाल करते थे। ये जो बाइनरी नंबर्स हैं, इसमें हम कौन सा बेस इस्तेमाल करते हैं, बेस 2। जब हम एन नंबर का कैलकुलेशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन करते हैं, तो बेस 2 का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम दो नंबर का इस्तेमाल करते हैं, 9, 8, 7 plus 3, 2, 1, आप इसको ऐड कर सकते हैं। yes, ये कौन सा बेस है, इसमें बेस 10 का इस्तेमाल होता है, लेकिन बेस 10 हम लिखते नहीं है। इसमें कौन सा बेस इस्तेमाल हुआ है, बेस 10। ये वही बेस 10 है। किसी भी नंबर को जब हम बेस 10 में शो करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म।
नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हमने एक नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम इसके लिए एक जनरल टर्म का इस्तेमाल करते हैं। वो जनरल टर्म क्या है बेटा? n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस्ट टू द पावर n। ये हमारे पास एक जनरल टर्म है। इसकी मदद से हम एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इनमें n क्या है? n का मतलब है एनी बिग और स्मॉल नंबर। जैसा कि मैस ऑफ अर्थ का मैंने 6 के साथ 24 जीरो लगाए थे, वो क्या है? कंप्लीट एक नंबर है। कौन सा नंबर है? बिग नंबर है। मैंने मैस ऑफ प्रोटॉन लिखा था, वो कौन सा नंबर था? स्मॉल नंबर। उसको हम एन से डिनोट करते हैं। आ गई समझ? यस सर। एन से डिनोट करते हैं। दूसरी चीज क्या है? एम। इसको कहा जाता है मैंटीसा। क्या कहते हैं? मैंटीसा। मैंटीसा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 0.00062। मेरे पास एक नंबर है 0.00062। अब मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं क्या करूंगा? इस नंबर को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। किस चीज का सहारा लूंगा? इस जनरल टर्म का सहारा लूंगा। जनरल टर्म या जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है? n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस्ट टू द पावर n। मैंने इस डेसिमल पॉइंट को राइट साइड की तरफ शिफ्ट करना है। कहां पर शिफ्ट करना है? इसके बाद हमने इसके रूल्स पढ़ने हैं। इसके तीन रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या है? आपने डेसिमल पॉइंट को हमेशा के लिए, जो आपका पहला नॉन जीरो डिजिट होगा, यहां पर पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है बेटा? 6 है। इसकी फौरन बाद आपने डेसिमल पॉइंट को लगाना है। यस सर। ये है हमारा पहला रूल। दूसरा रूल क्या है? व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव। अगर हमने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, हमारा पावर ऑफ 10 नेगेटिव होगा। तीसरा रूल क्या है? व्हेन वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट द पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव। अगर हमने राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, हमारा पावर ऑफ 10 क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। अब अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर फर्स्ट, मेरे पास पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है? 6। मैंने इस डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ शिफ्ट करना है। पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है? 6। उसकी फौरन बाद यहां पर मैंने डेसिमल पॉइंट को लगाना है। ये क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 6.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस्ट टू द पावर 4। ये है पहला रूल। रूल नंबर सेकंड क्या है? When you move from left to right, the power of 10 will be negative. ये क्या होगा? Negative 4. रूल नंबर सेकंड। आगे समझ? Yes sir. अब यहां पर देखिए, जो मेरे पास ये कंप्लीट नंबर था, ये नंबर 0.00062, इसको कहते हैं n। ये क्या है? ये n है। क्या है ये? n है। n 6.2 6.2 क्या है? This is called Mantissa. This is called Mantissa. Mantissa. ये 10 क्या है? ये है base 10. ये क्या है? Base 10. जिस तरह मैंने पहले बताया, base 2 भी होता है, base 3 भी होता है, base 16 भी होता है, जिसको hexadecimal कहा जाता है। इसी तरह base 10 भी होता है। ये क्या है? Base 10. इसकी ऊपर जो power है -4, इसको हम n से डिनोट करते हैं। क्या है? n से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड पावर। पावर या एक्सपोनेंट, इसको पावर भी कहते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ये पावर हमारे पास, ये जो पावर है, ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने मैस ऑफ अर्थ लिखा था। मैस ऑफ अर्थ क्या है? मैस ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस्ट टू द पावर 24 किलोग्राम। इसका पावर क्या है? पॉजिटिव।
मैंने मैस ऑफ प्रोटॉन लिखा था कितना था 1.67 into 10 रेस्ट ऑफ द पावर -27 किलोग्राम -27 क्या है पावर यहाँ पर पावर पॉजिटिव है यहाँ पर पावर क्या है negative. मतलब ये जो n है ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म ये हमारे पास एक जनरल टर्म है जिसकी मदद से हम किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इस n का मतलब एनी स्मॉल और बिग नंबर जैसा कि ये नंबर था ये n है m का मतलब मैंटिसा जब आप डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर लेंगे आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट उसे क्या बन जाता है मैंटिसा बन जाता है इसके बाद ये 10 क्या है ये बेस 10 है इसके ऊपर जो n है ये पावर है हमारे पास पावर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा समझ yes, sir. अब हम आगे बढ़ेंगे इसके कुछ रूल्स होते हैं अगर हमने एक नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसके लिए जो रूल इस्तेमाल होते हैं वो कौन सी रूल्स होंगे रूल्स या स्टेप्स Steps for converting number into standard form. When we convert a number to standard form, we use the following rules. जब हम एक नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसके लिए हम तीन रूल्स इस्तेमाल करते हैं रूल नंबर फर्स्ट रूल क्या है पुट डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 0.00073 ये मेरे पास एक नंबर है समझ आ रही है yes, sir. ये मेरे पास एक नंबर है 0.00073 मैंने इस नंबर को कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कौन सा फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको हम जनरल टर्म में किस लेटर से जानते हैं एन से किसे जानते हैं N से ये हमारे पास क्या है N क्या है बेटा ये N अब मैंने इस नंबर को कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं रूल नंबर फर्स्ट फॉलो कर लूंगा रूल नंबर फर्स्ट क्या है पुट डेसिमल पॉइंट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आपने इस डेसिमल पॉइंट को लेके जाना है शिफ्ट करना है कहां पर शिफ्ट करना है जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है यहां पर क्या है सेवन उसकी फौरन बाद आपने डेसिमल पॉइंट को लगाना है 1, 2, 3, 4 ये क्या होगा 7.3 मल्टीप्लाइड बाय एंड रेस्ट ऑफ द पावर 1, 2, 3, 4 दिस इज रूल नंबर फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट अब ये क्या होगा -4 आगे समझ यस रूल नंबर सेकंड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव अगर हमने लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जाना है क्या कहा मैंने अगर हमने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है हमारा जो पावर ऑफ 10 है वो क्या होगा नेगेटिव हम यही एग्जांपल दोबारा ले लेते हैं आप लोगों को समझाने की खातिर ठीक है 0.00073 अब यहां पर देखें हमारे पास डेसिमल पॉइंट यहां पर है अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट को फॉलो करते हुए हमने इस डेसिमल पॉइंट को कहां पर लेके जाना है सेवन के फोर नंबर सेवन हमारे पास क्या है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1 2
2, 3, 4 ये क्या होगा 7.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस्ट टू द पावर 4। रूल नंबर सेकंड क्या है, जब हमने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है तो पावर ऑफ 10 क्या होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव। ये क्या होगा नेगेटिव 4। हमारे पास ये क्या है नेगेटिव 4। दिस इज रूल नंबर सेकंड, दिस वाज रूल नंबर फर्स्ट, दिस इज रूल नंबर सेकंड। अब रूल नंबर थर्ड क्या है, When we move from right to left, the power of 10 will be positive. अगर फिर हमने right से left की तरफ जाना है, अगर हमने right से left की तरफ जाना है फिर हमारा पावर ऑफ 10 क्या होगा पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल हम यही मिसाल लेते हैं, ये जो 3-0 है मैं इसको राइट की तरफ शिफ्ट कर लूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। 7 फॉर एग्जांपल 7-3-0-0-0 पॉइंट कहां पर है, पॉइंट राइट की तरफ है। अब हमने इस डिजिट को कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर फर्स्ट। मैंने डेसिमल पॉइंट कहां पर लगाना है आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यहां पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है 7, क्योंकि 3 हमारे पास बढ़ रही है इसे बिग नंबर हमारे पास 7 है, हमें 7 को चूज करना है। हमारे पास जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो क्या है 7। अब हमने इस डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट तरफ लेके जाना है 1, 2, 3, 4 ये क्या होगा 7.3 मल्टीप्लाइड बाय द रेस्ट टू द पावर 4। ये रूल नंबर थर्ड क्या है, व्हेन वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इसे देखिए बेटा, व्हेन वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जब हमने राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है फिर हमने क्या करना है पावर ऑफ 10 को नेगेटिव मेंशन करना है, ये क्या होगा नेगेटिव 4 क्या होगा सॉरी पॉजिटिव 4 क्या होगा ये पॉजिटिव 4। दिस वाज रूल नंबर थर्ड, आगे समझ। यस सर। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, इसके फायदे क्या है एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका जो पहला एडवांटेजेस है नंबर 1 इट सेव्स बोथ और पेपर एंड टाइम इजी। इसकी मदद से हमारा पेपर और टाइम दोनों चीजें बच जाते हैं। अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर है जिसमें बहुत ज्यादा जीरो पाए जाते हैं तो उसे हमारा जो पेपर है वो भी ज्यादा कवर हो जाता है, ऑक्यूपाई होता है और टाइम भी जाया हो जाता है। ये हमको दोनों चीजों से छटकारा देता है। क्लियर। रूल नंबर सेकंड, इट मेक्स बिग और स्मॉल कैलकुलेशंस वेरी इजी। इसकी मदद से हम जो कैलकुलेशंस करते हैं इस तरह, जैसे कि दो स्टार के बीच में जो फासला है, एक स्टार का मैस कितना होता है या एक प्रोटॉन का मैस कितना होता है, एक मॉस्किटो का मैस कितना होता है। क्लियर। चाहे कैलकुलेशन बहुत बड़े हो या कैलकुलेशन बहुत छोटे हो, जब हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे हमारे कैलकुलेशंस इजी हो जाते हैं।